बिग बॉस के घर में बड़े सारे लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बड़े सारे लोग अलग अलग तरह से अपना गेम प्लान करते हैं, लेकिन आपने कभी अंकित को बैठकर एज सच टिपिकल प्लानिंग करते नहीं देखा होगा। बट अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है, अंकित भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और अंकित के भी अलग अलग रूप धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे सुंबल के कई सारे अवतार हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ वक्त में, वैसे ही हमें पिछले कुछ वक्त में अंकित के भी कई रूप देखने को मिल रहे हैं और अब स्ट्रैटेजी बनाने वाला रूप सामने आया है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी इन द मेकिंग, जी हाँ, बिग बॉस ने खुद एक्सपोज किया है प्रियंका और अंकित की स्ट्रैटेजी को। कैसे? बिग बॉस के यानी कि वूट के ऑफिशियल पेज पर यहाँ पर अंकित प्रियंका की ये तस्वीर शेयर की गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो तस्वीर है अंकित प्रियंका की, जहां पर अंकित, यहाँ पर आपको दिखा दूं कि देखो अंकित जो है वो बैठे हुए हैं और जैसे एक तरफ आपको अंकित नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका बैठी हुई हैं उनके साथ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये दोनों बैठकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं और इसी चीज को बिग बॉस ने एक्सपोज कर दिया है। बिग बॉस लिखते हैं, स्ट्रैटेजी इन द मेकिंग, देखा क्या? कीप वॉचिंग बिग बॉस 24 आवर्स लाइव फॉर देयर मास्टरमाइंड गेम प्लान ओनली ऑन वूट सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में वीडियो में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। प्रियंका अंकित दोनों बैठे हुए हैं साइड में अपने एरिया के पास, जी हाँ, जो उनका आई थिंक वॉशरूम एरिया के पास वो बैठे हुए हैं कहीं पे, और वहां पर प्रियंका जो है वो अंकित के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही है, लेकिन बिग बॉस ने उनकी बातें नहीं दिखाई है। वो बैठे हैं साथ में और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, ये बात बता दी है, लेकिन क्या डिस्कस कर रहे हैं वो बिग बॉस एपिसोड में दिखाएंगे। तो बिग बॉस भी तो कम नहीं है ना, वो भी काफी ज्यादा खेल जाते हैं। सो ऐसे में चलिए, मैं जैसा मैंने कहा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही होगी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरह की बातचीत हो रही होगी, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि अंकित अपना गेम जो है वो चेंज करने की कोशिश में है, अपना गेम जो है वो इवॉल्व करने की कोशिश में है और यही कोशिश हमें बिग बॉस के घर में नजर आ रही है। रही बात खुद बिग बॉस की, तो बिग बॉस तंग आ चुके हैं घर वालों से, क्योंकि शालीन, अंकित, गौतम, साजिद और स्टैन, ये सब जो लड़के हैं, ये सब वो लोग हैं जो बाहर हमेशा सिगरेट पीते रहते हैं और जिनकी वजह से कई सारे इश्यूज घर के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन पर स्मोकिंग नहीं दिखा सकते और आज इस बात का बिग बॉस जो है इन पर गुस्सा निकालेंगे। खैर, इस बारे में आपको क्या है कहना बताइएगा जरूर।